गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय क्लास, गुड मॉर्निंग माय सेल्फ कैलाश सूर्या। मेरा नाम कैलाश सूर्या है और मैं रतनगढ़ का जो सबसे अच्छा स्कूल है श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उन ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 9 को सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, इस वर्ष आपका पाठ्यक्रम है वो बदल गया है, नया पाठ्यक्रम एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है वो आपके पास या आपके लागू हो गए बाजार आए और शीघ्र अति शीघ्र है वो नया पाठ्यक्रम है वो ले रहे हैं। आपको जैसा बच्चों पता है, इस बार आपके एसएसटी में 4 या मुख्य 5 किताबें हैं, जिसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, गौर, लोकतांत्रिक राजनीति और आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन है वो ऐच्छिक है, तो आपदा प्रबंधन सहित आपकी सामाजिक भी 5 किताबें हैं। इन 5 किताबों में हम जो पहली किताब है इतिहास, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। हमारा पहला अध्याय है वो चल रहा है। हमारे पहले अध्याय के बारे में हमारा अध्ययन है वो लगातार जारी है। हमारा जो पहला अध्याय है वो फ्रांस की राज्य क्रांति से संबंधित है, किस प्रकार 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में राज्य क्रांति होती है, जब पेरिस में 7,000 महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों का एक जुलूस रोटी की मांग को लेकर, पाव रोटी की मांग को लेकर है वो बाहर निकल आता है और बास्टिल जेल पर, जो राजा की निरंकुशता का प्रतीक थी, उस बास्टिल जेल पर हमला करके अपने साथियों को छुड़ा लिया जाता है। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की राज्य क्रांति होती है। उसके बाद हमने देखा कि फ्रांस में कैसे जो द्वितीय स्टेट था उसने नेशनल असेंबली घोषित अपने आप को कर दिया और संविधान का प्रारूप उसने तैयार किया। संविधान के प्रारूप के द्वारा राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया, राजा की शक्तियों को कम कर दिया गया, राजा पर संविधान का नियंत्रण स्थापित हो गया। राजा ने संविधान के प्रारूप पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, किंतु राजा अभी भी ऑस्ट्रिया और प्रसा के सम्राट के साथ गुप्त बातचीत कर रहा था, उनके साथ गुप्त संधि करने का प्रयास कर रहा था। ऐसी स्थिति में जब जनता को, फ्रांस की जनता को इसका पता चलता है, तो वे स्वयं सेवकों के रूप में अपनी सेना इकट्ठी करने लग जाती है और वे नेशनल असेंबली 1791 में प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देती है। गांवों से स्वयं सेवकों की भर्ती होने लगती है, स्वयं सेवक एकत्रित होने लगते हैं और स्वयं सेवकों के जो समूह हैं वो गांव से पेरिस की ओर कूच करने लग जाती है। कूच करते हुए उनके होठों पर, उनके मुख पर, उनके मुखारविंद पर एक ही गीत होता है, जिसे हम मुख्य रूप से मार्शियल कहते हैं। मार्शियल गीत को गाकर फ्रांस के लोग अपनी देशभक्ति को प्रदर्शित करते थे। मार्शियल गीत के द्वारा वो अपने राष्ट्रीय अभिव्यक्ति को मूर्त रूप देते थे। रोजेट की लायल ने इस मार्शियल गीत को लिखा था, रोजेट की लायल ने इस मार्शियल गीत की रचना की थी। तो जो स्वयं सेवक सेना के लिए भर्ती होने हेतु पेरिस की ओर कूच कर रहे थे, वे उनके होठों पर मार्शियल गीत था वो गाया जाने लगा। मार्शियल गीत था
वो एक तराना बन गया, माँ से गीत है वो लोग गाने लग गए थे। माँ बाद में जाकर मार्शल रोजेट डी लायल द्वारा जो रचित मार्शल था उसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया और मार्शल था वो फ्रांस का राष्ट्रीय गान बन गया था। कल हमने आपको फ्रांस की क्रांति में महिलाओं के योगदान के बारे में बताया था कि महिलाओं ने फ्रांस की क्रांति के समय क्या भूमिका निभाई थी। महिलाएं शुरू से फ्रांसीसी समाज का महत्वपूर्ण अंग रही थी। महिलाएं थी वो फ्रांसीसी समाज का महत्वपूर्ण भाग रही थी। क्रांतिकारी फ्रांस की क्रांति के बाद उन्हें राजनीतिक और मताधिकार संबंधी अधिकारों को लेकर आशा थी। फ्रांस में महिलाओं में का कार्य वो गृह कार्य तक सीमित था, केवल कुली वर्ग की स्त्रियां और तृतीय स्टेट में जो धनिक थे उनकी बेटियां ही पढ़ पाती थी। बाकी महिलाएं हैं तृतीय स्टेट के अधिकांश महिलाएं हैं वो जीवन निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई करना, कपड़ों की धुलाई करना, बाजारों में फल और सब्जियां बेचना और कुलीन या धनाढ्य घरों में सेविका या मेड के रूप में घर की सेविका या घर में काम करने वाली जो महिला थी उनके रूप में वो काम करती थी। इसके अतिरिक्त अधिकांश महिला के पास पढ़ाई लिखाई और व्यवसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल तृतीय श्रेणी के धनी परिवारों की लड़कियां हैं वो काम कर पाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी का इंतजार करना। मैंने आपको बताया था कि महिलाएं थी वो लाइन लगाकर बेकरी की दुकानों पर खड़ी रहती थी। जब कई घंटों के बाद भी जब बेकरी की दुकानों पर रोटी उन्हें नहीं मिलती थी तो वो भीड़ बेकाबू हो जाती थी और वो डबल रोटी या बेकरी की दुकानों पर हमला कर देती थी, उसे लूट लेती थी। इस प्रकार हमने देखा है फ्रांस में महिलाओं का योगदान था। महिलाएं बच्चों की देखभाल करती थी, उनकी मजदूरी पुरुषों से कम थी। महिलाओं ने अपने हिमायत करने के लिए और उन पर चर्चा करने के लिए अपने राजनीतिक क्लब बनाने शुरू कर दिए। वैसे पूरे फ्रांस में उस काल में महिलाओं के 7 से अधिक क्लब मौजूद थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण क्लब था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्लब था। उन्होंने इस क्लब में महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन देने, महिलाओं के लिए पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार, महिलाओं को पुरुषों के समान वोट देने के अधिकार को लेकर अपनी मांगे रखी थी। वोट के अधिकार को लेकर उन्होंने अपने बातों को रखा था, लेकिन महिलाओं को उस समय निराशा हुई जब 1791 में जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था उस प्रारूप में महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, निष्क्रिय नागरिक बना दिया था। महिलाओं ने मताधिकार और असेंबली के लिए चुने जाने के लिए मांग की थी। उनको लगता था कि नई सरकार है वो इनके हितों पर ध्यान देगी, लेकिन नई सरकार ने उनके हितों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रारंभिक वर्षों में जो क्रांतिकारी सरकार थी, जो जैकोबिन दल की सरकारें थी, उससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने महिलाओं के जीवन सुधार करने के लिए कुछ कानून भी पास किए थे, जैसे कि सरकारी विद्यालय खोलना, सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर देना, उनकी मर्जी के खिलाफ उनके शादी करने के लिए बाध्य न किया जाना, शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना जाना, नागरिक कानून के तहत शादियों का पंजीकरण होना अनिवार्य कर दिया, तलाक लेने को कानूनी अधिकार दे दिया गया था, मर्द और औरत दोनों ही तलाक ले सकते थे। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष
जाएगा महिला मुख्य आगे पुरुषों के समान वेतन और अपने राजनीतिक अधिकारी को लेकर की महिलाएं चाहती थी उन्हें पुरुषों के समान वेतन मिले, मजदूरी मिले, उन्हें पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार हो, उन्हें वोट देने का अधिकार दिया जाए। इसको लेकर 18वीं और 19वीं शताब्दी में महिलाओं ने कई प्रदर्शन किए, कई जुलूस निकाले, कई नारीवादी आंदोलन शुरू किए। महिलाओं ने अपने वोट के अधिकार के लेकर, अपने राजनीतिक अधिकार के लेकर और एक समतावादी वेतन के लेकर अपने आंदोलन को जारी रखा। महिलाओं की मांग 1946 में जाकर पूरी हुई, जब महिलाओं को मताधिकार संबंधी अधिकार दिया गया था, जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लगभग सेकंड लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का। कल हम नेपोलियन डायनामाइट के बारे में पढ़ेंगे, आज हमारा ये सेकंड लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है क्रांति और रोजाना की जिंदगी। कैसे फ्रांस में क्रांति में किस प्रकार लोगों का जो जीवन था वो परिवर्तित हुआ, हम देखते हैं। 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस में लुई का शासन खत्म हुआ, फ्रांस गणतंत्र बन गया। उसके बाद के वर्षों में फ्रांस में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून रोजाना की जिंदगी में लागू करने का प्रयास किया। फ्रांस की जो क्रांतिकारी सरकारें थी उन्होंने जो स्वतंत्रता और समानता, फ्रीडम और इक्वालिटी, स्वतंत्रता और समानता जो जीवन के दो महत्वपूर्ण मूल्य थे, उनके आदर्शों को दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास किया था। 14 जुलाई 1789 को बास्टिल जेल का पतन हो जाता है। 14 जुलाई 1789 को बास्टिल जेल पर हमला कर दिया जाता है। बास्टिल जेल पर हमला करके अपने साथियों को छुड़ा दिया जाता है और इसी के साथ ही फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति होती है और गणतंत्र की स्थापना होती है। फ्रांस 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई। बास्टिल के विध्वंस के बाद 1789 में सबसे महत्वपूर्ण कानून जो अस्तित्व में जिसके तहत पत्र पत्रिका या समाचार पत्र जो भी छपते थे उस पर राज्य का नियंत्रण था। राजा या लुई के प्रति विरुद्ध कोई भी समाचार छापा नहीं जा सकता था। लुई या राजा के विरुद्ध समाचार पत्र में कोई भी बात लिखना या उनके विरुद्ध कोई भी प्रतिक्रिया करना राष्ट्रद्रोह माना जाता था और राष्ट्रद्रोह के रूप में उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। तो बास्टिल के विध्वंस के बाद 1789 में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में है वो सेंसरशिप की प्राचीन राजतंत्र और लुई सोल्जर की किताब में इनके बारे में किताबों पर अखबारों पर नाटक सभी और कुछ जो एक समाचार पत्र भी छपते थे वो राज्य के नियंत्रण में रहते थे। उन्हें राज्य की परामर्श से, राज्य की आज्ञा से ही अपने न्यूज या अपने समाचार को छापने की इजाजत थी। 1789 के बाद अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। 1789 जब क्रांति हुई, जो अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें मनुष्य के मूलभूत और मौलिक जो अधिकार थे जिसमें विचार अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता,
और समानता की स्थिति का उसे नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया था। प्रेस की, अब प्रेस की स्वतंत्रता या आजादी का उस समय अभिप्राय यह था कि किसी भी घटना पर विरोधी विचार प्रकट किए जा सकते थे। सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया था। अब इसका मतलब है किसी भी घटना के विरोध में उसके विरोध करने, उसका प्रदर्शन करने, हड़ताल करने के लिए अधिकार दिया गया था। नाटक, फ्रांस में नाटक, संगीत, उत्सव, जुलूस में असंख्य लोग भाग लेने लगे। फ्रांस में अखबार, पत्र पत्रिकाएं, समाचार, नाटक, चित्र से छपने लगे। ये नाटक, पत्र पत्रिकाएं, लघु लेख, कहानियां फ्रांस के गांव और जिलों तक लोगों तक पहुंचने लगी थी, जिसके माध्यम से फ्रांस के लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी थी। फ्रांस के लोग थे वो राजनीतिक रूप से जागरूक हुए थे। फ्रांस के लोगों में उन राजनीतिक परिवर्तनों को देखने के हमें मिलता है। उसके काल में फ्रांस में इस काल में फ्रांस में लोगों में राजनीतिक जागरूकता आई। लोग हैं वो एकदम अच्छे तरीके से इन लेखों को समझने और जुड़ने लगे थे। केवल मूर्खी लोगों का काम नहीं था, धीरे धीरे जो साक्षरता थी उसकी दर बढ़ने लगे थे। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को साक्षर के जन्म नहीं था, साक्षरता है तो फ्रांस में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इस कारण से फ्रांस में जो साक्षरता थी वो पहले के मुकाबले अब धीरे धीरे ज्यादा बढ़ गई थी। तो आज भारत जो टॉपिक है फ्रांस, फ्रांस की क्रांति को जानने की थी। इस तरह संस्कृत समाज के बाद फ्रांस की पुरुषों महिलाओं बच्चों की जीवन में परिवर्तन देखने को मिले। पुरुषों महिलाओं बच्चों को उनके अधिकार मिले, उन्हें स्वतंत्रता मिली। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता और समानता के आदर्श को जो मनुष्य के जो 1789 में जो मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया गया था, उस घोषणा पत्र में जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये अधिकार मनुष्य के नैसर्गिक अधिकार बन गए थे। ये अधिकार मनुष्य के लिए जरूरी हो गए थे। वास्तविक के ध्वंस के बाद 1789 में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून था वो प्रेस सेंसरशिप की समाप्ति। राजाओं के जो लुई राजा थे या हुगो वंश के राजा थे उनके काल में प्रेस सेंसरशिप थी, जिसके तहत समाचार पत्र, नाटक, पत्र पत्रिका आदि के छपने पर पूर्ण रूप से नियंत्रण था। ये छप नहीं सकते थे। कुछ जो अखबार या पत्र पत्रिका उस समय निकलते थे उन्हें राजा के परामर्श से, राजा की आज्ञा से, राजा के अभिव्यक्ति से ही निकाला जाता था और उसमें कोई भी ऐसा समाचार नहीं छापा जाता था जो राजा के विरुद्ध होता था। इसके द्वारा 1789 के बाद अधिकारों के घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसमें फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू थॉट, भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिकार घोषित कर दिया गया। ये प्रत्येक मनुष्य का अधिकार था कि वो अपने विचार प्रकट करे, भाषण दे, पत्र पत्रिका लिखे, समाचार पत्र लिखे, उनका संपादन करे। प्रेस की स्वतंत्रता या आजादी का अभिप्राय था कि किसी को भी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपने विचार प्रकट करने, भाषण देने, विरोध करने, प्रदर्शन करने, हड़ताल करने, लेख लिखने, पत्र पत्रिकाएं छपाने, राज्य के विरुद्ध बात कहने का अधिकार उन्हें मिल गया। प्रेस की आजादी का अभिप्राय यह था कि किसी भी घटना पर लोग विरोध प्रकट कर सकते थे, लोग अपनी बात को कह सकते थे, लोग अपनी बात को नाटकों के माध्यम से, संपादकीय लेख के माध्यम से विचार प्रकट कर, सभा को संबोधित करके, जुलूस को संबोधित करके, विरोध करके, विरोध में पत्र पत्रिकाएं लिखकर
अपना विरोध जता सकते थे। विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार, विचार प्रकट करने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार उस समय अधिकारों के मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया था। यह मनुष्य के मौलिक अधिकार थे। उस काल में धीरे धीरे समाचार पत्र, नाटक, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, कहानियां, कविताएं, ये सब फ्रांस में छपने लग गए थे। इन पर कहानियां बननी शुरू हो गई थी। अखबार, लघु लेख, सचित्र लेख, कहानियां, कविताएं गांव के लोगों तक पहुंच रहे थे। गांव तक ये पत्र पत्रिकाएं हैं तेजी से छपकर जा रहे थे। इससे फ्रांस के गांव में भी शिक्षित वर्ग का उदय हुआ, एक पढ़े लिखे वर्ग का उदय हुआ, जिसमें धीरे धीरे साक्षरता है वो बढ़ी थी, धीरे धीरे साक्षरता आई। आज का जो है अपनी पहली दुकान की रोजाना की जिंदगी 1789 के बाद के विश्व में फ्रांस की पुरुषों महिला पुरुषों के जीवन में बड़े परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सभ्यता में कानून मिलाकर स्वतंत्रता और समानता के दर्शन को रोजाना के जीवन में उतारने का प्रयास किया। वास्तविक कानून संविधान से जुड़ गए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कानून क्या था? सेंसरशिप की समाप्ति। इसके तहत अखबार, पत्र पत्रिका, संपादकीय लेख पत्र आदि लिखे जा सकते थे। लेख पत्र लिखने पर कोई पाबंदी नहीं थी। 1789 के बाद जो अधिकारों का घोषणा जारी किया गया था उसमें फ्रीडम टू एक्सप्रेशन और फ्रीडम टू स्पीच, अपने विचार प्रकट करने, भाषण देने, पत्र पत्रिका लिखने, विचार प्रकट करने, जुलूस निकालने, हड़ताल करने की आजादी दी गई थी। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता को प्रमुख रूप से शामिल किया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता या आजादी का अभिप्राय था कि किसी भी घटना का जनता विरोध कर सकती थी, विचार प्रकट कर सकती थी, भाषण दे सकती थी, नाटक के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, उत्सव के माध्यम से, जुलूसों के माध्यम से जनता अपनी बात कह सकती थी। इसमें असंख्य लोग जाने लगे थे। फ्रांस में जब अखबार पत्रिकाएं छपने लगे थी तो धीरे धीरे अखबारों की बाढ़ आ गई, पत्र पत्रिकाओं की बाढ़ आ गई। ये पत्र पत्रिकाएं संपादकीय लेख, कविता, कहानियां, सचित्र किताबों में छपने लगे। ये लोगों पुस्तकें गाँव में जाने लगे, गाँव के लोग तो चित्रों के माध्यम से समझने लगे। धीरे धीरे फ्रांस के लोगों में साक्षरता का उभार हुआ। धीरे धीरे फ्रांस की जो जनता थी, गाँव में रहने वाली जनता थी, वो शिक्षित होने लगे। तो आज का जो बिंदु है वे आपको ध्यान से रखना है, बीच में चल जाता हूँ, इसको आप जूम कर ले, इसको आपने जूम कर लिया होगा, इसको आप अच्छे से देख लें, आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ आ जाएगा। यदि किसी के सुनने में या आवाज है वो सही ढंग से नहीं सुनती है, तो यदि किसी के पास ये ब्लूटूथ है तो वो ब्लूटूथ का उपयोग करके आवाज को स्पष्ट सुन सकता है। इसको आपको दिखना है, क्रांति और रोजाना की जिंदगी में क्या परिवर्तन है इसको दिखना है, याद करना है, समझना है, इसको मनन करना है, इसको लिख कर याद करना है, फिर उनके डाल दें और सब जल्दी से जल्दी ले आए। यह आज आपका होमवर्क है, उसको लिखना है, याद करना है। धन्यवाद।